देश में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, महिला हो या पुरुष, उनके हक और अधिकार के लिए, आत्मसम्मान के लिए हम हुंकार भरेंगे, देश बचाओ, नागरिकता बचाओ रैली का आह्वान किया है। मैं आपके बीच में आप तमाम लोगों को हाथ जोड़कर ये निवेदन करने के लिए आया हूँ, ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि बताइए इस लड़ाई में आप हमारे साथ हैं कि नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ ये मान के चलूं कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सारे लोग 29 तारीख को गांधी मैदान भी आएंगे। अगर आप सब गांधी मैदान आएंगे तो मैं भी आपको एक वादा करना चाहता हूँ, और मुझे भी झूठ बोल करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मैं ये बोलता है कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो सुन लो परिवार, एक इंच का तुमको पूरी जमीन छोड़ करके वहीं भागना पड़ेगा जहां तुम्हारा देश नहीं चाहती भाग करके गया है। ये याद रखना, ये देश हम सबका है। हमारे पुरखों ने अपनी जान गवा कर ये तिरंगा हमारे हाथ में दिया था। एक गाना आपने सुना है ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इस देश में मुसलमान लोग घबरा, इनकी घबराहट का फायदा उठा करके नेता बन जाए, तो मैं उन तमाम लोगों को कह देना चाहता हूँ, किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी को सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम लड़ेंगे तो इंसाफ के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये कि प्रखंड प्रखंड, पंचायत पंचायत प्रचार कर लेंगे और नेता बन जाएंगे। ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है कि आपके हाथ में जो तिरंगा है, गुलामी के बाद ये तिरंगा आजाद हुआ है। 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने हमको ये अधिकार दिया कि हमारी पहचान के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वो जो आजादी हमको मिली है, वो जो तिरंगा हमको मिला है, उसके ऊपर जो आज हमला हुआ है, उस हमले को बचाने के लिए भी हमको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन संघर्ष कैसे करेंगे, किसके रास्ते पे चलकर करेंगे? एक सवाल मैं आपसे पूछ, बोलिए, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? गांधी ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, गांधी चंपारण में आंदोलन लड़ने के लिए आए थे, और कस्तूरबा गांधी अपने माथे पे ईंट ढोकर विदर्भ आश्रम चंपारण से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1947 में देश को आ। बोले, लड़ाई लंबी थी कि नहीं थी? इतना लंबा नहीं लड़ना पड़ेगा, लेकिन एक लड़ना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार है कि नहीं है? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ क्या हश्र किया था? गांधी ने कहा कि आप अगर हमको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, आप हमारे देश में आए हैं बाहर से, हमारे देश की संपदा को लूट रहे हैं, और रेस्टोरेंट के बाहर लिखते हैं कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, तो आप अगर हमको इंसान नहीं मानते तो हम आपको हुक्मरान नहीं मानते हैं। तो सरकार के साथ गांधी जी ने और सहयोग किया था, किया था कि नहीं किया था? हम तमाम लोगों को भी, ये जो अंग्रेजों की नीति पे चलने वाली सरकार है, इसको कान में सुनाना पड़ेगा, कड़वा तेल डाल करके इसको बताना पड़ेगा।
सरकार, अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते, हम तुमको सरकार नहीं मानते। और तुम जो काला कानून पास किए हो, ये काला कानून के खिलाफ हमको सविनय अवज्ञा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बोलिए तैयार है कि नहीं है? इसीलिए सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, बिहार की सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि यह सरकार, जैसे देश की दूसरी सरकारों ने विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास किया है, जैसे केरल में रेजोल्यूशन पास किया है कि केरल में एनपीआर एनआरसी और सीए लागू नहीं होगा, उसी तरीके से आप भी बिहार विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास कीजिए कि सीए एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं होगा। और उन्हीं को ये बताने के लिए, ये सुनाने के लिए हम 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जमा हो रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि सरकार हमारी बात नहीं मानी तो सरकार, कोई नेता आपसे 5 साल के लिए ले लेता है, एक बार जब वोट दे दिए तो फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस संविधान को आप बचाने की लड़ाई लड़ उसी को एक और, वो है ना कहने का अधिकार। चीज के लिए अगर आप ना कहते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं है। सरकार के मुलाजिम, सरकार के कर्मचारी जब अप्रैल के बाद हमारे घरों में आकर एनपीआर करने, तो हम उनको कहेंगे आइए रू आपका पी कर, अगर जी के दादाजी का नाम पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे। अपने घर के बाहर लिखिए कि ओ एनपीआर कर आना, साथ में 15 लाख लेके आना, वरना मत आना। तो उनको समझ में नहीं आता था, भारत की जनता के बारे में भी यही बात है। जब तक जनता को यह समझ में नहीं आता है कि उसकी ताकत क्या है, तब तक सरकार उसका शोषण करती है। जनता को जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि उसकी ताकत क्या है, तो जो सरकार को जनता चुन सकती है, जो सरकार को जनता जिता सकती है, तो जनता उस सरकार को जुतिया भी सकती है। ये लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई में हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के रहना है, एकजुट होकर के लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई एक धर्म की लड़ाई नहीं है, एक पहचान की लड़ाई नहीं है, एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, और इस हक की लड़ाई को हम लड़ेंगे। बोलिए लड़ेंगे। मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि इस लड़ाई में दो चुनौती हमारे सामने है। एक चुनौती ये है कि एक हाथ में तिरंगे को थामकर, अपने सीने से, अपने कलेजे से संविधान को, आईन को लगाकर हमको इस देश में लोकतंत्र और जमहूरियत बचाना है। ठीक उसी वक्त हमको ये समझना है कि इस देश में आज हिंदू और मुसलमान क्यों हो रहा है। हिंदू और मुसलमान इसलिए हो रहा है कि जब खेत में मर रहा हो किसान और सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो लाजिम है कि टीवी में होगा हिंदू और मुसलमान। जब लोगों को 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा हो, जब किसान आत्महत्या कर रहे हो और देश की सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही हो, उस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि ध्यान भटकाने के लिए देश की जनता को आपस में लड़ा दिया जाए। यही काम इनके जो बॉस थे ना, जो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनके बॉस अंग्रेज किया करते थे। हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया करते थे। ऐसा नहीं है, मुसलमानों को कह रहा हूँ, मैं हिंदुओं को भी कह रहा हूँ कि ये बात आप समझ लीजिए कि ये देश की सरकार अंग्रेजों की नीतियों पे है। अगर आप इस देश से प्यार करते हैं तो आपको मन में संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर ये सरकार अंग्रेज बनने के लिए तैयार है, अगर ये सरकार जनरल डायर बनने के लिए तैयार को तो इस सरकार को हम कह देते हैं कि यह सरकार, तुम अंग्रेजों की चाल चलोगे तो तुम अंग्रेजों की मौत में मरोगे। हमको यह कहना पड़ेगा
हमको इनको चुनौती देनी पड़ेगी। हम तमाम फिरके के लोगों को इकट्ठा होकर के, हम तमाम धर्म के लोगों को इकट्ठा होकर के, हम तमाम जातियों के लोगों को इकट्ठा होकर के, क्या सरकार अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की तरह दोस्त बन करके फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए इस लड़ाई में हम तमाम लोगों को एकजुट रहना है। बोलिए एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर ईमानदारी से कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो उसको जीती भी जाती है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।